हेलो, हम आ चुके हैं आज अस्तंबार श्री बाबा के यहाँ और उसका नज़र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमसे जितना हो सके उतना आपको गाइड करने की कोशिश होगी। ये यहाँ पे पूजन वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ लोग वो पूजा करते हैं, उसके बाद आगे का और रास्ता लेते हैं। यहाँ से पूजा करके वो अभी आगे बढ़ेंगे। हम अभी आपको यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं, तो आप देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो कुछ अपनी पारंपरिक चीज वस्तुओं का बजाते हैं और कुछ धुन वगैरह गाते रहते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे हम अभी आ चुके हैं भीमकुंड। यहाँ पे माना जाता है कि अश्वत्थामा के जब महाभारत में युद्ध हुआ था, अभी यहाँ पे अश्वत्थामा के लिए भीम आए थे और भीम ने यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे भीम ने गधा मारे थे जहाँ से वो पानी निकला था। यहाँ अभी सभी लोग स्नान करेंगे, स्नान करके अभी अस्तम्भ ऋषि बाबा के यहाँ चोटी पे जाने के लिए लोग रेडी है रहे हैं। रेडी होने के बाद यहाँ से वो दर्शन करके आगे और चल पड़ेंगे, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ खड़ा होने में थोड़ी तकलीफ़ हो रहती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छा वीडियो दिखा सके। हम आ चुके हैं थोड़ी देर के ऊपर, आ गए हैं। यहाँ से आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता कितना कठिन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से खड़े नहीं हो सकते, तो थोड़ा वीडियो लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लोगों का आना जाना भी रहता है यहाँ पर बहुत सारा, आप देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे दर्शन के लिए आ रही है। कभी भी आपको आना हो तो आ सकते हो, कभी भी नहीं आ सकते मतलब कभी भी नहीं, दीपावली पे यहाँ मेला ही रहता है, दीपावली पे आप आ सकते हैं, लेकिन होश आवास में आना चाहिए। और कुछ दिखाते हैं आपको, हम आगे चेक करें। ये लोग सह रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग दर्शन करके फिर वापस भी आ चुके हैं। हमने भी कोशिश की है जाने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है, जितना हो सके इतना हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जा रहे हैं पैदल पैदल, खाली पैर जा रहे हैं। बाबा जी के चेलो, यहाँ आने से लोगों की और मनोकामना पूर्ण होती है ऐसा माना जाता है। हम बहुत पहले बहुत बार आ चुके थे, लेकिन आज वीडियो के लिए हम कोशिश की है आप सब के लिए छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग इतनी भारी संख्या में जा रहे हैं। यहाँ से कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ से आदमी सीधा नीचे ही जाता है और फिर ऊपर ही चला जाता है। यहाँ से गलतियाँ से बच के रहना चाहिए। हमारे से आगे ही तीन आदमी गिर चुके थे, उसमें से दो की लाश ही मिली, एक जिंदा मिला है। उससे कुछ शराब बरफ पी के आने से दिक्कत रहती ही है, उनको भी आना चाहे तो बिना शराब के आइए प्लीज़, उनके रास्ता ही इतना कठिन है।
क्योंकि आपकी जान जा सकती है, यहाँ पे जगह नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता सिंगल रास्ता है और फिसलन वाला रास्ता है, ताकि आप ठीक तरह से आइए। और नज़दीक आ चुके थे हम, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता था, इसके लिए कुछ मेन मेन टॉपिक ही दिखाने की कोशिश की है। से कुछ नहीं है, आप नीचे देख सकते हैं कितनी गहराई वाली खाई है। आप आइए, दर्शन करिए, बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए और हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके लिए हर तरह की नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। हम आ चुके हैं बाबा जी की चोटी पे है, आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरे ट्रैफिक में फंस चुके हैं। ट्रैफिक में फंसते हैं, मेरे अंकल जो तो महीने से खो गया था, यहाँ पे अभी खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही है, वीडियो भी लेने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि यहाँ खड़े नहीं हो सकते, लोगों का आना जाना रहता, अपने को भी संभलना पड़ता था, ताकि वीडियो में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होगी दोस्तों, माफ़ करना। यहाँ पे अभी पूजन विधि चालू है, दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं आप सब। यहाँ पे अपने राष्ट्रध्वज का गान हो रहा है, कुछ सैनिक रिटायर हुआ था या कुछ हो आया था, हम भी काफ़ी दूर थे लेकिन पता नहीं चला, जैसे राष्ट्रगान के लिए उसने बोला तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया है और आपको दिखाने की कोशिश की है, आप वीडियो का आनंद ले सके। आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। देख सकते हैं लोग राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान में पूरी तरह से लीन है, राष्ट्रगान के लिए सब में रुके हुए हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की अभी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह की हम वीडियो लाते रहेंगे। चलो जय हिंद, जय भारत।